नमस्कार, राम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की सेव। जिस प्रकार से हम आलू के चिप्स बनाते हैं, उसी तरह से हम आलू की सेव भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो आलू लिए हैं और सेव बनाने के लिए हम बड़े आलू छांट करके लेंगे, क्योंकि बड़े आलू जो है सेव बनाने के घिसने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो हम इसको गैस पर पानी में उबालेंगे। अब मैंने यहाँ एक पतीला लेकर के उसमें पानी गरम किया और उसके बाद इन आलू को पानी में डाल करके थोड़ी देर बॉईल करेंगे। हम इन आलूओं को उतना ही बॉईल करेंगे कि जिसमें ये केवल इसमें टच हो जाए, चक्कू जाने लगे या नाखून हम लगा के देखें तो वो उसके अंदर चला जाए। अधिक बॉईल नहीं करते हैं और फिर इस गैस को बंद कर देंगे और आलूओं को पानी में से बाहर निकाल लेंगे। ये आलू उबल चुके हैं। मैंने इसमें ये चक्कू लगा करके देख लिया है, हल्का सा ये चक्कू इसमें अंदर जाने लग रहा है। तो अब हम इन आलूओं को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। आलू अच्छे बड़े साइज के हैं। इन उबले हुए आलूओं को ठंडा होने पर मैंने छील लिया है। अब हम इनसे सेव बनाएंगे। इसके लिए हम एक कद्दूकस लेंगे, उसके द्वारा सेव बनाई जाएंगी। पहले मैंने टेबल पे एक साड़ी बिछा ली है सिंथेटिक, जिससे कि उस पे से आसानी से उतर जाएंगी। और इन आलूओं को अब हम घिसना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो आलू है इसको हम खड़ा इस तरह से लेंगे और इसको घिसना आरंभ करेंगे। इस प्रकार से हम सभी आलूओं को घिस लेंगे और इसे पंखे की हवा में ही सूखने देंगे। धूप की आवश्यकता नहीं है। जब ये सूख जाएंगी तब हम 2-3 घंटे के लिए इन्हें धूप में सुखा लेंगे, जिसमें इसमें जो थोड़ी बहुत भी नमी रह जाएगी वो निकल जाएगी। अब ये इस प्रकार से हमारी सारी आलू की सेव घिस कर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें पंखे के नीचे सूखने दें। अभी आलू का बहुत अच्छा सीजन है, आप भी बनाइए चिप्स और सेव। इन दिनों के आलू के बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये आलू की सेव हमारी सूख कर तैयार हो गई हैं। मैंने इनको 2 घंटे धूप में सुखा लिया है और 1 दिन पंखे में रख के सुखाया था। अब हम ये तल सकते हैं। ने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे, इनको फ्राई करेंगे जिससे अच्छे से सिक जाएंगी। बस ये इस तरह से हम सारी जितनी हमें चाहिए उतनी सेव तल लेंगे। इन सेव को भी हम आलू के चिप्स जैसे हम साल भर के लिए रख सकते हैं, उसी तरह से बर्नी में रखकर हम रख सकते हैं और सारे साल इनका स्वाद ले सकते हैं। इन सेव के अंदर हम मूंगफली भी फ्राई करके मिक्स कर सकते हैं। अब इन फ्राई की हुई सेव पर हम नमक और मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये सेव यदि घर में अपने नाश्ता नहीं है, कुछ भी कोई आ गया है, तो हम फटाफट फ्राई करके नमकीन तैयार कर सकते हैं और चाय के साथ
इसका मजा ले सकते हैं। ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और अच्छी खस्ता बनी। देखिए कैसे इसमें से आवाज आ रही है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।